फैसलाबाद में आटे और गंदम की कीमतों को कंट्रोल करना इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। गंदम की कीमत 2600 रुपए फी मन, जबकि आटे के 20 किलोग्राम के थैले की कीमत 1400 रुपए से भी तजावुज कर गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। फैसलाबाद में महकमा खुराक और जिले इंतजामिया समेत दीगर मुतालिका इदारे आटे और गंदम की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकामी का शिकार बन गए। गंदम की कटाई के सीजन के दौरान ही ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2600 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जबकि आटे का 20 किलोग्राम का थैला 1400 रुपए और देसी आटे की कीमत 80 से 85 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है, जिससे आम आदमी के लिए गुजर बसर करना महाल हो गया है। जिसका जो जी चाह रहा है वो अपनी मर्जी से अपने रेट लगाए हुए बैठा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करे और आके निगरानी करे। 90 रुपए किलो जी जो चक्की का आटा जी, तो दूसरा ये कोई ताकत ही है नहीं, ये कोई फायदा भी कोई नहीं, ये भी बहुत महंगा है। मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कहते हैं नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जो सिचुएशन है इस पे इंतजामिया ने इनको भी लूप में लिया फ्लोर मिल्स वालों को, और इसके अलावा हमारे जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं ये भी आज जा रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ पे आटा अपनी कीमत से ज़्यादा मिल रहा है उस पे एक्शन भी लिया जा रहा है, और इसके अलावा फ्लोर मिल्स वालों के साथ भी इंगेज किया जा रहा है ताकि ये सप्लाई चेन जो है ठीक रहे। शहरी कहते हैं कि गंदम की कटाई के सीज़न के दौरान ही गंदम और आटे की कीमतों में होने वाला होशुबा इजाफा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आइंदा दिनों में सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए बर वक्त इकदामात उठाने की ज़रूरत है। आटे और गंदम की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बहुत से अहकामात तो जारी हुए, लेकिन इन अहकामात पर अमल दरामद करना शायद इंतजामिया ने ज़रूरी ना समझा, जो कि हुकाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।